आज किसी उन्हें मैथ के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा जो सभी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं और ऐसे क्वेश्चन बार बार एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं। इन क्वेश्चनों को सॉल्व करने की मैं आपको सबसे आसान ट्रिक बताऊंगा। चलिए अब शुरू करते हैं। चलिए क्वेश्चन में पहला देखा जाए, इसमें क्या कहा गया है, उस कोण का माप बताइए जो अपने संपूर्ण कोण के बराबर है। तो सबसे पहले आपको ये क्वेश्चन समझा दे रहा हूँ, फिर आपको वो तरीका बताऊंगा जिससे आप क्या कर सकते हैं, सिर्फ देख के इसका आंसर बता सकते हैं कि इसका आंसर कितना है। ठीक है, तो सबसे पहले ये जाना जाए कि संपूरक का मतलब क्या होता है। ऐसे दो कोण जिनका योग कितना हो 180 अंश संपूरक कहलाता है। आप यहाँ लिख सकते हैं यहाँ से कितना, ऐसे दो कोण, मैं मान लो पहला कोण ए हो गया और दूसरा कोण बी हो गया, ऐसे दो कोण जिनका योग कितना हो, जिनका योग 180 अंश क्या कहलाता है, संपूरक कहलाता है। ठीक है, अब यहाँ से कहने का मतलब ये कि अगर दोनों कोणों का योग कितना हमको चाहिए, 180 चाहिए। अगर मैं मान लो पहला कोण कितना ही है, पहला कोण 80 अंश है, तो दूसरा कोण कितना होना चाहिए ताकि दोनों कोणों का योग कितना हो जाए, 180 अंश हो जाए। तो दूसरा कोण कितना होना चाहिए, यहाँ से 100 होना चाहिए। ठीक है, अगर मैं मान लो पहला कोण हमारे यहाँ से कितना 90 हो गया, तो दूसरा कोण कितना होना चाहिए, 180 होने के लिए कितना चाहिए, 90 आपको यहाँ से भी चाहिए। ठीक है, अगर आप यहाँ से मान लें पहला कोण कितना आपका 30 हो गया, तो दोनों कोणों का योग कितना होता है, संपूरक के लिए क्या चाहिए, दोनों कोणों का योग 180 अंश होता है। तो दूसरा कोण क्या होना चाहिए, आप इसको यहाँ से क्या कर सकते हैं, 150 कर सकते हैं। ठीक है, आपका यही है। अब यहाँ से देखिए संपूरक के बराबर, इसका मतलब क्या है मैं आपको समझा रहा हूँ। यहाँ से देखिए, ये देखिए, अगर मैं पूछू ए का संपूरक क्या होगा, आप यहाँ से क्या बोलेंगे, ये होगा। ठीक है, ए का संपूरक क्या होगा, बी होगा। अगर मैं ये पूछू कि बी का संपूरक क्या होगा, तो ये होगा। ठीक है, अर्थात अब कहा क्या है कि उस कोण का माप बताइए जो अपने संपूर्ण कोण के बराबर है, मतलब जो कोण ये होना चाहिए वही कोण आपको ये होना चाहिए। ठीक है, अर्थात मैं अगर इसको 90 कर लूं तो 90 ये भी चाहिए कि नहीं चाहिए, तभी तो दोनों कोणों का योग कितना 180 मिलेगा और ये क्या हो जाएंगे, आपस में बराबर हो जाएंगे। ठीक है, तो उस कोण के माप आपको पता चले कितना ये 90 आएगा। ठीक है, तो देखिए कौन सा इसका मैच करा, तो पहला ऑप्शन इसका मैच करा। आप इसे कैसे सिर्फ देख के इसका सॉल्व करेंगे मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए इसमें कहा क्या गया, उस कोण का माप बताइए जो अपने संपूर्ण कोण के बराबर है। संपूर्ण कोण का मतलब कितना, 180 होता है, 180 का आप आधा कर लीजिए, आपका क्या जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से आधा कर लिए कितना हो जाएगा, 90 अंश आ जाएगा। आपको ये पता चलेगा अगर पहला कोण 90 अंश होगा तो दूसरा कोण भी कितना हो जाएगा, 90, दोनों बराबर होंगे नहीं, आपका ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन क्या कर सकते हैं, आप सिर्फ देखिए इसका आंसर बता सकते हैं कि इसका आंसर कितना आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन सेकंड देखा जाए, इसमें क्या कहा गया, 55 अंश का संपूरक कोण क्या होगा, आपको ये बताना। ठीक है, तो संपूरक कोण की खासियत क्या होती है, ऐसे दो कोण जिनका योग कितना हो, 180 अंश हो, संपूरक कोण कहलाता है। यही तो इसकी खासियत होती है। तो आपको एक कोण पता है, यहाँ से एक कोण पता है, दूसरा कोण आपको बताना है। तो क्या कर सकते हैं, आपको क्या करना पड़ेगा, किसी को एक रख लीजिए, 55 आप यहाँ से रख लीजिए। अब यहाँ से रख लेंगे तो ये जाके इधर घट जाएगा, अगर इसको जाके इधर घट जाएगा तो सिंपल सी बात करना कि आपको इसमें से 180 में से 55 यहाँ से घटा लेना। अगर यहाँ से घटाएंगे कितना 5 हो जाएगा और यहाँ से कितना बच गया 7/2 हो जाएगा और यहाँ से 125 अंश आ जाएगा। तो सिंपल सी बात ये है कि इसमें दिया क्या, 55 अंश का संपूरक कोण क्या होगा, आपको ये बताना। संपूरक का मतलब कितना होता है, 180 अंश होता है, 180 अंश में इसको घटा लीजिए, आपको क्या जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, 180 अंश में से क्या करिए, 55 अंश घटा लीजिए, आपका ये क्या जाएगा, आंसर आ जाएगा। यहाँ से घटाएंगे कितना 125। तो देखिए कौन सा इसका मैच कर रहा है, तो उसी ऑप्शन इसका मैच कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 3 देखा जाए, इसमें क्या कहा गया, कोण ज्ञात कीजिए जो अपने कोटि पूरक के बराबर है। तो कोटि पूरक का मतलब क्या होता है, ऐसे दो कोण जिनका योग कितना हो, 90 अंश हो, कोटि पूरक कोण कहलाता है। ऐसे दो कोण जिनका योग कितना हो, 90 अंश हो, कोटि पूरक कहलाता है। तो इसमें पूछा गया कोण ज्ञात कीजिए जो अपने कोटि पूरक के बराबर। तो कहने का मतलब ये, अगर ए प्लस बी में मान लो दो कोण है, इन दोनों कोणों का योग कितना होना चाहिए, 90 अंश होना चाहिए। तो पूछा गया वह कोण ज्ञात करिए जो अपने कोटि पूरक के बराबर, ये आपस में क्या हो जाएंगे, कोटि पूरक हो जाएंगे, यहाँ से ये इसका कोटि पूरक हो जाएगा। अगर मैं मान लो ये 45 अंश हो जाएगा तो आपको ये भी तो 45 अंश लेना पड़ेगा, तभी तो ये दोनों बराबर होंगे कि नहीं। ठीक है, दोनों कोणों के कितना इतना मिल जाएगा और दोनों कोण क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो करना क्या, आप इसे सिर्फ देख के भी इसका आंसर बता सकते हैं। ठीक है, क्या तरीका है, यहाँ से कोटि पूरक के बराबर है, तो कोटि पूरक का मतलब क्या होता है, 90 अंश होता है। ऐसे दो कोण जिनका ये कितना हो, 90 अंश। करना क्या, 90 में 2 से भाग दे दीजिए, आपको क्या जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, 90 में क्या करना, आपको 2 से भाग दे दीजिए, आपको ये क्या जाएगा, आंसर आ जाएगा। आप इस क्वेश्चन को माइंड में भी सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए कौन सा उसका मैच कर रहा है, तो सी ऑप्शन इसका मैच कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन 4 देखा जाए, इसमें क्या कहा गया, यदि दो कोटि पूरक कोणों में अनुपात कितना, 2:3 है, तो वह कोण क्या होंगे, आपको ये बताना। वह कोण होंगे, आपको ये बताना।
आप इस क्वेश्चन को दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। पहला तरीका कि ऑप्शन सॉल्व करिए, और दूसरा तरीका कि मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक। पहला दूसरा तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, दोनों तरीका आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ से दिए गए कोटि पूरक का मतलब ना, दो कोटि पूरक है, ठीक है। तो कोटि पूरक का मतलब कितना होता है, 180 अंश यहाँ से हो जाएगा, यही तो होता है। कोटि पूरक कोण का मतलब कितना होता है, 180 अंश होता है। तो दोनों कोणों का मान आपको यहाँ पे रेशियो में दे दिया, आप यहाँ से लिख लीजिए। तो मैं मान लो फर्स्ट कोण हो गया और ये हमारा सेकेंड कोण हो गया, ठीक है। यहाँ से दोनों का रेशियो कितना दिया है, इतना दिया। और कोटि पूरक का मतलब कितना, दोनों कोणों का कितना, 180 अंश। यहाँ से आप लिख सकते हैं दोनों कोणों का ये कितना हो जाएगा, 180 अंश। लेकिन अगर आप यहाँ से रेशियो में दोनों को जोड़ेंगे तो कितना मिल जाएगा, यहाँ से रेशियो में जोड़ेंगे कितना मिल जाएगा, 5 मिल जाएगा। यहाँ से दोनों का योग इतना है और इस तरह से योग कितना, इतना है। तो करना है कि इस योग से इस योग में क्या करिए, भाग दीजिए। अगर भाग देंगे तो 5 × 3 = 15 हो गया, और 3 × 2 गए तो 5 × 6 = 30, 36 बार गए। जितनी बार भाग जाएंगे, अगर आप इसका इसमें गुणा कर लेंगे और इसका इसमें गुणा कर लें, वो कोण आपको पता चल जाएगा। इसमें गुणा कर 36 ना कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा। अगर इसमें करें 3 × 6 = 18 हो गया, और 3 × 3 = 9 = 10 हो गया, अर्थात वो कोण आपको पता चले कितना है, 72 और 108। तो देखिए कोई ऑप्शन में मैच कर रहा क्या, 108 और 72, तो भी ऑप्शन देखिए इसका मैच कर रहा है, ठीक है। ये तो इसका पहला तरीका हो गया। और दूसरा तरीका मैं आपको बता रहा हूँ कि आप ऑप्शन से कैसे सॉल्व करेंगे, यानी सेकंड तरीका क्या है कि आप ऑप्शन से भी इसे सॉल्व कर सकते हैं। ऑप्शन से कहने का मतलब ये है कि वह कोण देखिए, वह दो कोण कौन से हैं जिनका योग कितना हो, 180 अंश। मैंने आपको क्या बताया, ऑप्शन से वह चेक करिए कि वह दो कोण कौन से हैं जिनका योग कितना हो जाए, 180 अंश के बराबर है, वही ऑप्शन आपको क्या हो जाएगा, सही हो जाए। तो पहला ऑप्शन चेक करिए क्या 180 ये मिलेगा क्या, तो पहला ऑप्शन यहाँ से रिजेक्ट हो गया। अगर आप इसको और इसको जोड़े क्या मिल जाए, 180 मिलेगा यहाँ से, यानी इसका बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही है। अगर आप पहला कोण जोड़िए और दूसरा कोण जोड़िए तो दोनों कोणों का योग कितना हो जाएगा, 180 अंश के यहाँ से बराबर हो जाएगा। अर्थात क्या करें, इस बात को क्या करें, पहला सॉरी इसके इस बात को क्या करें, बी ऑप्शन इसका फॉलो कर रहा है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 5 देखा जाए, इसमें क्या कहा गया है, दो कोटि पूरक कोणों का अंतर 40 है, तो दोनों कोण क्या होंगे, आपको ये बताना है, ठीक है। तो यहाँ से कोटि पूरक कोण का मतलब क्या होता है, ऐसे दो कोण जिनका योग कितना हो, 90 अंश, यही तो कंडीशन है। यानी ऐसे दो कोण जिनका मान कितना हो, दोनों कोणों का कितना कितना हो, 90 अंश, कोटि पूरक कोण कहलाता है। तो आप क्या कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को ऑप्शन से सॉल्व करिए, देखिए किन दो कोणों का योग कितना हो, 90 हो, और उनके बीच का अंतर कितना हो, दोनों कोणों के बीच का अंतर कितना हो, 40 हो। तो देखिए इस बात को कौन ऑप्शन फॉलो कर रहा है। अगर आप यहां से देखिए, सबसे पहले डिफरेंट करिए, अगर आप सबसे पहले इसको योग करिए तो यहां से कितना मिल जाएगा, 100 मिल जाएगा। अगर आप इसको और इसको जोड़ें कितना मिल जाएगा, 100 मिल जाएगा। तो दोनों कोणों का योग कितना चाहिए हमको, 90 चाहिए, और दोनों के बीच का डिफरेंट कितना चाहिए हमको, 40 चाहिए। तो इस बात को ये फॉलो नहीं कर रहा है। ये भी देखिए कितना हो जाएगा, ये कितना है, 100 हो जाएगा। इस बात को ये भी फॉलो नहीं कर रहा है, चाहिए योग कितना इनको, 90 चाहिए, योग इनका कितना चाहिए, 90 चाहिए। तो यहां से ये 100 मिल जाए, ये हमारा होगा नहीं। इसको चेक करते हैं, अगर आप इसको और इसको जोड़े कितना मिल जाए, 90 मिलेगा। इनका योग कितना मिल गया, 90 मिल गया। पहले वाले को फॉलो करा है, क्या इनके बीच का अंतर देखिए 40 मिला क्या, तो यहाँ से अगर अंतर करिए तो यहाँ से 0 हो जाएगा और कितना हो जाएगा, 40। तो मैं देख रहा हूँ अंतर भी तो ये फॉलो कर रहा है, अर्थात कौन सा इसका सही हो जाएगा, सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। इस बात को कौन फॉलो कर रहा है कि दोनों कोणों का योग कितना, 90 हो, और इनके बीच का अंतर कितना हो, 40 हो, तो सी ऑप्शन इसको फॉलो कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन 6 देखा जाए, इसमें क्या कहा गया है, एक घड़ी को 200 रुपए में बेचने पर 20% की हानि होती है, तो घड़ी का क्रय मूल्य क्या है, आपको ये बताना है। सबसे पहले आपको ये क्वेश्चन समझा दे रहा हूँ, फिर आपको वो तरीका बताऊंगा जिससे आप क्या कर सकते हैं, माइंड में भी सॉल्व कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए इसमें कहा कि अगर कोई घड़ी रही होगी, ठीक है, तो इसका क्रय मूल्य जो भी रहोगा अपने आप में 100% रहोगे, नहीं रहोगे, ठीक है। जब इसे ये कितने रुपए में बेच रहे हैं, 200 रुपए में बेच रहे हैं, तो 20% की हानि हो जा रही है। तो अगर इसमें से क्या खरीद के तो लाया था, जो क्रय मूल्य इसका अपने आप में 100% रहोगे ना, क्रय मूल्य कितना रहा अपने आप में 100%। जब इसे 20% हानि पर ये बेच दे रहा है, तो इसे क्या हो गया, कितने रुपए में बेच रही है, इतने रुपए में बेच रहा है। 20% हानि पर क्या करे, 200 रुपए में बेच रहा है। तो खरीद के जो मूल्य लाया होगा अपने आप में 100% रहा होगा, इसमें से बेच के 20% हानि पर बेच दे रहा है, तो ये दाम कितने ले रहा है, तो कह सकते 80% का दाम ले रहा है। आप क्या कह सकते हैं, यहाँ से 80% का दाम ले रहा है, और रुपए में कितना बेच रहा है, 200 रुपए में बेच रहा है। तो कह सकते हैं 80% बराबर आपका 200 रुपए है, आप यहाँ से इसको बराबर कर लीजिए। अब 80% बराबर कितना, 200 रुपए है। अगर आप इससे भाग देंगे तो आपको क्या पता चले, 1% का मान आएगा, ठीक है। तो क्या पूछा है, वस्तु का क्रय मूल्य, घड़ी का क्रय मूल्य पूछा है, तो घड़ी का क्रय मूल्य जो भी अपने आप पे 100% है। अगर जैसे आप इससे भाग देंगे तो आपको 1% का मान आ जाएगा, अगर आप इसमें 100 से गुणा कर देंगे तो घड़ी का क्रय मूल्य आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ से देखिए 0 से 0 कट गई है, इसको काटिए 4 × 25 = 20 हो गया, इसको काटिए 4 × 2 = 8। तो यहां से काटे कितने में कटेगी, 50 बार में कटेगा, इसका गुणा कर लिए तो कितना, ये 250 हो
अर्थात उस घड़ी का क्रय मूल्य कितना है? 250 रुपये। तो देखिए कौन सा इसका मैच कर रहा है, तो सी ऑप्शन इसका मैच कर रहा है। तो मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि मुझे ऑप्शन टाइप करने में कहीं गलती हो गई थी, ठीक है। इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, ठीक है। अब मैं आपको वो तरीका बता रहा हूँ, ठीक है। देखिए जो भी घड़ी का क्रय मूल्य रहा होगा अपने आप में 100% रहा होगा, घड़ी का जो भी क्रय मूल्य रहा होगा अपने आप में 100% रहा होगा। अगर ये 20% हानि पर बेच दे रहे हैं तो ये दाम कितने के ले रहे हैं? 80% का ले रहे कि नहीं ले? 80% का दाम ले रहे हैं, और रुपए में कितना ले रहे? 200 रुपए। कह सकते जो 200 या 80% है, आपको करना है कि इसमें 80 से भाग दे दीजिए। 200 में क्या करना है आपको? 80 से भाग दे दीजिए और 100 से गुणा कर लीजिए, आपको उस घड़ी का क्रय मूल्य पता चल जाएगा। तो यहाँ से काटे कितना? 20 25 हो गया, और 20 4 को 80। यहाँ से काटे 4 25 20 हो गया। इसका कैलकुलेशन करिए तो कितना हो जाएगा? 5 25 हो जाएगा, अर्थात उस घड़ी का क्रय मूल्य कितना गया? 250 रुपए आ गया, ठीक है। इसका सी ऑप्शन इसका मैच करा। मैं आपको एक बार फिर से बता देना चाहता हूँ कि मुझे ऑप्शन टाइप करने में गलती हो गई थी, ठीक है। इसका आंसर कितना आया? 250 रुपए आएगा। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाके बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा।